भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने शुक्रवार यानी 26 अक्टूबर को बड़ी मीटिंग की, जिसमें कई टीमों का ऐलान किया गया। आपको सभी टीमें बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कंगारू दौरे के लिए टेस्ट टीम की बात करते हैं, जिसमें भारी भरकम बदलाव हो गए हैं। हालांकि इधर कुछ दिग्गजों की टेस्ट टीम में वापसी हुई है, तो T20 मैचों के लिए धोनी जैसे महान दिग्गज को हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया है। टेस्ट मैचों की बात करें तो टीम इंडिया को दिसंबर और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, और इसके लिए 18 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें रोहित शर्मा के साथ ही अन्य दिग्गजों की भी वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में टेस्ट टीम के लिए विराट कोहली को ही कप्तान चुना गया है, जबकि अजिंक्य रहाणे को उनका नायब यानी उप कप्तान बनाया गया है। टीम में ओपनर के तौर पर पृथ्वी शॉ के साथ KL राहुल को रखा गया है, तो मुरली विजय की भी टेस्ट टीम में बतौर ओपनर वापसी हुई है। इंग्लैंड दौरे के बाद मुरली विजय को बाहर किया गया था, और इधर मुरली विजय की वापसी हुई है। मध्यम क्रम की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी और रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में टीम में रखा गया है। रोहित को इंग्लैंड दौरे में टीम में नहीं चुना गया था, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित को टेस्ट टीम में जगह दी गई है। इनके अलावा मुख्य विकेट कीपर ऋषभ पंत है, जबकि बैकअप विकेट कीपर के तौर पर पार्थिव पटेल को चुना गया है, क्योंकि रिद्धिमान साहा पूरी तरह फिट नहीं है। अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कड़े दौरे के लिए सभी मुख्य गेंदबाज टीम में मौजूद हैं। टीम में 3 स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन और कुलदीप यादव, जबकि पेस अटैक में मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार के रूप में 5 सबसे शानदार गेंदबाज हैं। तो टीम पूरी तरह से परफेक्ट नजर आ रही है। हालांकि शिखर धवन की थोड़ी सी कमी खलेगी, लेकिन फिर भी देखना होगा टीम इंडिया का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में कैसा होता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।